वालेकुम यार, मैं हूँ अरबाज और आप लोग देख रहे हैं अरबाज दानिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ, उन बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ जो कि बेसिकली फेसबुक एड्स पर जो है ना एड्स रन करते हैं, जो कि फेसबुक एड्स के थ्रू अपना बिजनेस चलाते हैं और आजकल जो है ड्यू टू हैवी टैक्सेशन उनको टैक्स अच्छा खासा लग रहा है। अब मैं आप लोगों को पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग किसी बैंक के थ्रू फेसबुक ऐड चला रहे हैं, चाहे वो मिजान हो, चाहे वो HBL हो, चाहे वो बैंक अल हबीब हो, चाहे वो बैंक अल फला, कोई भी बैंक हो, XYZ कोई भी बैंक हो, तो आपको लाजमी अगर 300 रुपए की एड चला रहे तो आपको उसके ऊपर 100-150 रुपए चार्ज होंगे ही होंगे, जो कि एक न्यूबी जो बंदा इन मार्केट में न्यू है उसके प्रॉफिट मार्जिन को बहुत कम कर देते हैं। मैंने इसका हल निकाला है, मेरे पास अब जो टैक्स कटता है वो 300 रुपए की एड पे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का कटता है। जी हाँ बिल्कुल, 30 रुपए का कटता है। मैं आप लोगों के सामने ट्रांजैक्शन भी दिखा दूंगा आप लोगों को लाइव। अब आप लोगों के सामने मैं आपको सब दिखाऊंगा मेरे सामने जो टैक्स कटता है वो मेरा कैसे कम कटता है और आप लोग किस तरह से अपने टैक्स को जो है ना मिनिमाइज कर सकते हैं एंड आप लोग किस तरह से फेसबुक पर अपनी टैक्स हैवी टैक्सेशन को अवॉइड कर सकते हैं और कौन सा बैंक आप लोगों ने यूज करना है और किस बैंक को यूज करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरा फेसबुक पेज है, मैं आप लोग यहाँ पर शो करवाता हूँ। यहाँ पर हमने एड सेंटर में जाकर आप लोगों का अपने एड्स के जो मेरे रन हुए हैं वो दिखाता हूँ एंड टैक्स वगैरह मैं आप लोगों को फिर बाद में दिखाता हूँ। सही है, तो यहाँ पर जो कट कर सकते हैं, मैं अभी तक 5,490 रुपीज मतलब 5,500 रुपए मैं ऑलमोस्ट अभी तक अपनी एड्स पर स्पेंड कर चुका हूँ। 29 एड्स मैंने रन किए हैं लास्ट 60 डेज के अंदर। अब ये 5,500 रुपए शो तो कर रहा है लेकिन जो मेरे स्पेंड हुए हैं वो अगर देखा जाए तो मेरे अभी तक कुछ 6,000 रुपए जो है ना वो स्पेंड हो चुके हैं, क्योंकि 5,500 रुपए आप मुझ पर मुझे 500 रुपए का टैक्स लगा है। तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो आप लोग इस तरह से पकड़ सकते हैं कि 5,500 रुपए पर 500 रुपए का लगा है, तो इस तरह से इसको ब्रेक डाउन कर ले कि हर 500 रुपए पर मुझको लग रहा है कोई 50 रुपए का टैक्स, तो उस तरह से आप लोग का टैक्स लग रहा है जो कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस एड्स बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अगर आप किसी बैंक के थ्रू करते हैं आप लोगों को बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगती है। अब मैं काम करता हूँ, मुझे आप लोगों को ये भी दिखाना है कि मेरे पास जो टैक्सेशन थी वो काफी कम लग गई, तो मैं अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग सादा पे की रिकॉर्डिंग मैं बेसिकली सादा पे यूज कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, एक सादा पे का अकाउंट बनाना है। सादा पे बनाना कोई मुश्किल नहीं, आप लोगों ने वो बनाना है। वो बनाने के बाद आप लोगों ने उस कार्ड को अपने फेसबुक पेज से लिंक कर देना है एंड देन मैं भी क्या करता हूँ आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ एंड शो करता हूँ कि मुझे वहां पर कितनी कम टैक्सेशन कट रही है और आप लोग किस कैसे जो है ना अपनी इसी टैक्सेशन को मेंटेन कर सकते हैं, आप लोग किस तरह से हैवी टैक्स पे फेसबुक से बच सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आप लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ। मैं अभी अपना सादा पे खोलता हूँ और मैं सादा पे खोल के आप लोगों को शो करता हूँ कि मेरे पास जो है वो कितना टैक्स कटता है और आप लोग कैसे जो है ना टैक्सेशन से बच सकते हैं। तो ये मेरा सादा पे अभी आप लोगों के सामने जो है लाइव ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैं सिंपली से अपना करता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मेरे सभी 28 रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ है। ये मेरी कल की ट्रांजेक्शन है फेसबुक एड्स की, मेरे पास 299 रुपीज की अमाउंट थी, मैंने 300 रुपये की एड चलाई थी, कन्वर्ट होने के बाद 303 रुपये बन रहे थे और 17 रुपये मतलब कि 17 रुपये 60 पैसा मेरी ट्रांजैक्शन की अमाउंट कटी है। तो मतलब कि मुझे जो टैक्स लगा है वो सब कुछ मिला मिलू कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये का टैक्स लगा है, मैक्स टू मैक्स 22 रुपये का लगा है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को हर 300 रुपये पर 30 रुपये का लग रहा है तो आप लोगों को 600 पर 60 रुपये लगेगा। अगर आप लोग 1,000 रुपये की एड स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को उस पर कुछ 90 या 100 रुपये का टैक्स कटेगा। ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स एंड आप लोग इस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेनेबल कर सकते हैं। वरना अगर आप लोग अभी बैंक यूज़ कर रहे हैं आप लोग बहुत बड़े रेड फ्लैग के अंदर, आप लोग बहुत बड़े रेड जोन के अंदर हैं और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अभी के अभी सादा पेपर आए, नया पेपर आए, जिंदगी पर आए, यहाँ पर आप लोगों को टैक्सेशन बहुत कम से कम कटेगा और आप लोग यहाँ पर से अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं एंड प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपना रेवेन्यू जो है वो आप लोग को ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। वीडियो को लाइक करने मत भूलें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।